स्टार्टिंग वाली वन आज की वीडियो में हम देखेंगे क्रिस्टल रिपोर्ट में बार कोड हम कैसे बना सकते हैं। तो बहुत आसान है, बिल्कुल जस्ट आप मेरे जो स्टेप मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो करें। विद इन अ मिनट्स आप बआसानी क्रिस्टल रिपोर्ट में किसी भी टेक्स्ट को बार कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जो कोड में बनाने वाला हूँ वो कुछ स्टूडेंट्स का जिया नंबर है, उनको मैं एज ए बार कोड जो है प्रिंट करवा मतलब क्रिस्टल रिपोर्ट में बनाऊँगा और फिर उसे मैं प्रिंट करवाऊँगा। तो मैं किस रिपोर्ट में बनाने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे न्यू आइटम जो है रिपोर्टिंग में ऐड कर लिया। इसका नाम मैंने स्टूडेंट जी आर रखा है, ऐड। ठीक है, अभी इंसर्ट खुल गया। आप इसमें से मेल लेबल सेलेक्ट करें, देन ओके। आपका कनेक्शन अगर बना हुआ है तो माई कनेक्शन, वरना आप क्रिएट न्यू कनेक्शन करें। माई कनेक्शन, यहाँ से पासवर्ड, फिनिश। तो अब यहाँ का डेटाबेस यहाँ पे आ गया, कि डेटाबेस आ गया। डेटाबेस में आपका टेबल भी यहाँ पे होगा, तो मैं स्टूडेंट का टेबल यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने स्टूडेंट का टेबल सेलेक्ट करा, नेक्स्ट। और जो मुझे जी आर नंबर चाहिए यहाँ से, तो STGR नंबर, स्टूडेंट जी आर नंबर आ गया, फिर नेक्स्ट करा। अच्छा, ये साइज़ है, अब आप जिस साइज़ का लेना चाहें, तो मैं नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट है उसी पर ले रहा हूँ, नेक्स्ट। कोई फिल्टर मुझे नहीं लगाना, फिनिश। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके का कुछ जो है वो व्यू आएगा, और जिसमें जो है आपके पास सिर्फ ये लेवल, सॉरी, ये जो आपके पास डिटेल का एक सिलेक्शन है वो आपके पास इनेबल है, आप इसमें काम कर सकते हैं। तो अगर मैं भी डायरेक्ट मेन व्यू में जाऊं, तो मेरे पास जो है मेरे दोनों जितने भी जियान नंबर होंगे वो यहाँ इस तरीके से प्रिंट हो रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा सा साइज़ सबसे पहले तो बड़ा करूँ, क्योंकि हो सकता है कि जियान नंबर इससे बड़ा मेरे पास आ जाए। तो मैंने सबसे पहले साइज़ बड़ा किया, और यहाँ मैं टेक्स्ट बॉक्स मैंने रखा है। टेक्स्ट बॉक्स में मैंने लिखे हैं *2, और ये जो मेरा जी आर नंबर का था, जी आर था, मैंने इसको उठाया, बल्कि इसको भी हटा देते हैं, मैंने इसको डिलीट करा, और इसमें दो जी आर सॉरी दो स्टैरिक मैंने लगाए। मैं यहाँ डेटा फील्ड्स में जाऊँगा, डेटा फील्ड्स में मैंने ऐसे जी आर नंबर या जिसका भी आपको वो बनाना है, क्या नाम है, बार कोड। तो अब इन दोनों के दरमियान मैंने ऐसे ट्रैक कर दिया। अच्छा, और मैंने फिर इसको सिलेक्ट करा यहाँ से, ये जी आर नंबर मैंने बीच में रखा है या जो भी आपके कॉलम है वो रखा, उसको सिलेक्ट करा है। अच्छा, मैं एक चीज़ स्किप कर गया, ये आपको एक फॉन्ट चाहिए होगा, Code 39। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, और जब हम इंस्टॉल कर लेंगे इसको, ठीक है, मैं करके दिखा भी देता हूँ, वैसे मेरे पास इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल 5.216 KB का है ये। ओपन ओपन, ठीक है, इसमें सब आप ये कर लें, ये दोनों ही कर लें, दोनों से देख लें भाई क्या हो रहा है, किससे, दोनों काम तो वही करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल हो गया, और अब हम आ जाते हैं यहाँ, और यहाँ पे जब मैंने वो सिलेक्ट करा अभी कॉलम अपनी, और यहाँ से फाउंड में जाके ये आपको दिख रहा होगा Code 32। इसके आप नीचे देखेंगे तो आपके पास और भी आ रहे होंगे, 39 सॉरी 39 Code 39, ये और भी हैं आपके पास। मैं यहाँ सिर्फ अभी Code 39 जो अप्लाई कर रहा हूँ, और अगर अब मैं जाता हूँ मेन रिपोर्ट व्यू में, अच्छा पेज पे, तो ये मेरा जो है बार कोड हो गया। लेकिन इसकी जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत छोटा है, क्योंकि एक नंबर ही है, तो इस वजह से वो जो है बहुत ज़्यादा छोटा आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है, वरना अगर हम इसको बड़ा कर लें तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ यहाँ से 12 कर देता हूँ मैं। अच्छा, 12 मैंने करा, तो मुझे दोबारा से उसको करना पड़ेगा, तो दोबारा से सिलेक्ट करते हैं 39। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो है बड़ा हो गया, जब नंबर बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली जो है ये सही आएगा। अच्छा, अब इसको व्यू करा लेते हैं हम। व्यू कराने के लिए मैं यहाँ से यहाँ पे एक विंडो पे ऐड कर रहा हूँ, इसका नाम ने रखा है, ठीक है, कोड प्रिंट।
अच्छा, मैं MDI वगैरह पे काम कर रहा हूँ, तो मैं MDI पे जा रहा हूँ, और इसका जो साइज़ है MDI का, वो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया ताकि सेम साइज़ हो। और यहाँ मैंने स्टूडेंट्स में एक और कर लिया कोड, ठीक है, कोड प्रिंट या GR प्रिंट कर लेते हैं इसे हम, ठीक है। क्या आप GR नंबर प्रिंट करें, और इसके डबल क्लिक पे मैं वाली विंडो जो मैंने बनाई है कोड प्रिंट की वो ओपन कराऊंगा। नहीं हुआ अभी भी MDI स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कोड प्रिंट अच्छा हुई है, बस आपने उसकी मैंने क्लिक इवेंट पर उसकी ये कोड प्रिंट की विंडो जो है वो ओपन करा ली है। मैं इसको सही से कर लेता हूँ दोबारा, कोड प्रिंट, ठीक है, कोड प्रिंट की विंडो ओपन करा ली है। और इस विंडो का जो साइज़ है वो मैंने सबसे पहले तो फ़ॉन्ट में चेंज कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ भी। उसके बाद जो मैंने वहाँ MDI का कॉपी करा था, सॉरी दोबारा से मुझे कॉपी करना पड़ेगा, इसका साइज़ विंडो का साइज़ मैंने जो कॉपी करा था वो कोड प्रिंट, क्योंकि मैं MDI में काम कर रहा हूँ तो MDI में होता है कि उसके अंदर विंडो ओपन हुई है। अगर आप MDI को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको उसकी भी कार्ड में जो है लिंक मिल जाएगा। मैं यहाँ पे पैनल ऐड कर रहा हूँ, जिसकी डॉक लेफ्ट रखी है मैंने, और एक पैनल और ड्रा कर रहा है जिसकी डॉक टॉप रख दी है। और यहाँ से मैं एक क्रिस्टल बोर्ड व्यूवर ड्रॉप कर दिया, और यहाँ से इसका जो ग्रुप ट्री है मैंने इसको रन कर दिया। अच्छा, ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे भी कर रहा हूँ आगे, नेक्स्ट स्टेप वो बिल्कुल बेसिक है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाह रहे हैं, और जैसे यहाँ पे जो GR नंबर आएंगे रिपोर्ट में, ये सारे क्लासेस के आएंगे, सब क्लासेस के। अब यहाँ पे कंडीशन वाइज लाने होंगे, 5 क्लास का है, 4 क्लास का है, तो वो कंडीशन वाइज कैसे आएंगे, तो आप डिटेल में मेरी अलग से रिपोर्ट मतलब बनाई हुई है वीडियोस, आप जो है डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट मिल जाएगा आपको लिंक उसका, और कार्ड में भी हो सकता है मिल जाए, या आप चैनल में जाके उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अच्छा, तो मैं यहाँ पे सिंपल ये कर रहा हूँ, यहाँ से जो एरो आ रहा था यहाँ से चूज़ क्रिस्टल रिपोर्ट, और अपनी रिपोर्ट जो है सिलेक्ट कर ली। ओके, तो बस सिंपल है। अब जब भी ये मतलब ओपन होगी तो आपका जो है वो ऑन हो जाएगा, मैं देख लूँ अगेन, ठीक है, सब सही चल रहा है। अच्छा, मैं एक काम ही कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर रहा है, इसका साइज़ मैंने फुल मतलब कर दिया जितना स्पेस था मेरे पास। और यहाँ से GR नंबर अगेन नीचे एक और रख दिया है। अच्छा, नीचे रख यूँ रखा है ताकि मुझे वाजह हो जाए कि भाई ये GR नंबर किसका है। इसको भी मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो करना चाहे कर सकते हैं। इन्हें इसको सेंटर भी कर दिया, ठीक है। तो ये GR नंबर मेरे पास जो है इसका शो हो जाएगा नीचे भी ऊपर भी, सेव। तो इस तरीके से जितने भी GR नंबर होंगे सबके सब यहाँ पे आ रहे होंगे। अच्छा, हम विंडो में शो करा रहे थे, ये विंडो में शो हो रहा है, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट प्रिंट कोड में चलते हैं। अच्छा, वो इसने फर्स्ट टाइम इसलिए लोड ले रहा है क्योंकि रिपोर्ट जो फर्स्ट टाइम लोड होती है तो आपको पता है कि वो लोड लेती है। अच्छा, ये देखें तो बार कोड भी आ गया। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा बना रहे हैं कि मतलब प्रोडक्ट का बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट का बार कोड, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस, जैसे किसी भी मतलब स्टोर वगैरह का होता है, तो आप इस तरीके से नॉर्मल काम कर सकते हैं, और इसको आप प्रिंट करके अपने जो है प्रोडक्ट वगैरह पे लगा सकते हैं। अब ये जो मैंने डिज़ाइन करा है, ये मतलब स्टूडेंट कार्ड के लिए, मतलब ये कार्ड पे प्रिंट हो जाएगा। तो अगर इससे रिलेटेड जो अभी हमने देखा पूरा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो डिटेल में अगर क्रिस्टल बोर्ड आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और कार्ड में भी मिल जाएगा, आप मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।